अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। रुकने काउंसिल की कविता पर बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की सख्त मुजम्मत। हैदराबाद के क्रिमिनल कोर्ट वकला का एहतजाज। बीजेपी रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा की जानिब से शराब के स्कैम में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अफराद खानदान और खास तौर पर रुकने काउंसिल के कविता के मलबूस होने के इल्जामात की सख्त मजम्मत करते हुए क्रिमिनल कोर्ट के वकला ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली पर पुरजोर एहतजाज किया और प्रवेश वर्मा के खिलाफ डॉन डॉन के नारे बुलंद किए। इसके अलावा जिन अखबारात में इस खबर को बड़ा चढ़ाकर शाय किया, उन अखबारात को जला दिया। इस मौके पर साबिका रुकने वक्फ बोर्ड और मुस्लिम एडवोकेट फोरम के सदर एडवोकेट मौलवी अलहाज वहीद अहमद ने कहा कि हम ऐसे निचली सियासत की और ऐसे घटिया किस्म के इल्जामात की सख्त मजम्मत करते हैं। हमारे रुकने काउंसिल की कविता एक नहायती शरीफ और तालीम याफ्ता कायद है जो हमेशा से साफ कॉलर रही है और एक अच्छे काम को पसंद करती है। मजीद प्रवेश वर्मा पर तनकीद करते हुए कहा, प्रवेश वर्मा पहले अपना गिरेबान में झांके और के कविता से माफ़ी मांगे। मुनक़िदा एहतजाज में मौलवी अलहाज वहीद अहमद के अलावा फूड कमीशन के रुकन एडवोकेट गोवर्धन रेड्डी, एडवोकेट तिरुपति वर्मा, एएमसी के रुकन एडवोकेट ए अनिल, एडवोकेट मोहम्मद वलीउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं एबी न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एबी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ఫోటోలు వాళ్ళు కూడా